हेलो दोस्तों, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आई होप क्या सब अच्छे हो, और हम सब भी अच्छे हैं। तो रोक्सी आया सुबह सुबह से मेरा ऊपर और पूजा गया है साथ में। जी राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे हो। मैं तो अपने के नहा धो के पूजा कर लेती हूँ पहले, और एक ना बाल्टी उठा ली और एक ना हाथ में ले ले कपड़े कपड़े उभरे नीचे ही पहले दो नहावे धो है ना सब, तो नीचे से लिया हुआ हम कपड़े उठा के। यही बात है, मौसम सही हो रहा। बेडशीट अरवे तो बाद में डाल देंगे है ना। बस ये चद्दर धो लिया, ये चुन्नी ना डाल। चुन्नी तो हाथ से धो देंगे, फिर जो आपके वाले है वे हाथ से धो जाएंगे, और फिर इनमें कलर निकले ना फिर भी हाथ से धो दी पहले। यहाँ पर ज्यादा कपड़े तो आया नहीं, बस यही है। आज तो छत पे सोया है बाबू जी भाभी ने कल उठा जाता सवेरे ही परस धोता है। यही बात है क्या? ये ठंड के मारो सोया छत पे। ठंड के मारो सोया। आले मैच फोन आले फोन आज दे पांडे ना करा ना अच्छा जा रहा होया कुछ आगे से नहीं आ भाई क्या मिल जाओगे चावल चलो के लिए देखो पर सुबह सुबह मिल गई नई टोपी। हां देख नीचे जाते तो सारे एक मिनट नहीं होती ना आवाज मारने में। आज भी बारिश पड़ती है या नहीं? आज मौसम वैसा सही हो रहा है। पूरा देखिए ये मैंने धोया ये वाला बना पता कोई धोया वो ना इसमें था, मैं बाद में लेट बनाई थी ना इस वजह से धोया मैंने वो अन्य पे कलर निकल जाता आपके इसमें था वो जान तो मिलजुल कर काम हो गया थोड़ा ये बाद में मिलेंगे पहले ये डालेंगे। हाँ मम्मा क्या ले रहे आप? सुनो तो हाँ जी पहले उनकी पैंट शर्ट डाल दियो बस ये मेरे पिया जी की पैंट शर्ट दे लीजिए। पिया जी की याद आई, मां की याद नहीं आई। हम खाए ये दोनों पहले ये वाले पैंट दोनों शर्ट दोनों पैंट दो और पैरों यही बात है। मम्मी को चावल लेके जा रही मां जी तो लाई चावल ही सब मम्मी अल्ले के ये तो बनाओगे फिर चावल कपड़ों की तो बना दूं मैं जब मम्मी जब कपड़े धोना होंगे ना जब बना दूं ठीक है गेट बंद कर दूं तो सारे मशीन के हैं कपड़े ठीक है जी ठीक है। चलो भाई थम गा वे छत पे क्योंकि भाभी वैसा कपड़े ही ला रहे ज्यादा काम तो है नहीं चावल ला रहे बनाने। और जब लाइट आएगी जब भी आ जाएगी अन्य सुबह से लाइट आई थी जो मुझे पता रहता ना मैं तो पहले ही धो देती कपड़े सारे और अभी सारे नहाए धोए भी थे नहीं और मैंने नहा धोकर पहले पूजा की है इसके बाद मैं नाश्ता कर लिया है। बस दाल बना दी थी भाभी ने रोटियाँ सेक दी थी चावल ला रहे चावल बना देंगे जब लाइट आ जाएगी क्योंकि बस चावल रह रहे और कपड़े रह रहे वैसे सारा काम निमट चुका है हमारे छत का भी और नीचे हुए भी झाड़ू पोछा कर दिया हमने दोनों ने मिलकर कर दिया था मैंने ऊपर कर दिया झाड़ू पोछा वैसा कल धो देता आंगन में जब बारिश आई थी भाई ने धो देता सारा और अच्छी तरह से बुरुस्ता भी है झाड़ू से भी। तो अभी मैं चलती हूँ नीचे। हेलो दोस्तों और राम राम जी। कैसे आप सब? आई होप क्या सब अच्छे हो और हम सब भी अच्छे हैं। तो सुबह का समय हो चुका है अभी बजे हैं 10। मैं नहा धो के रेडी हूँ लोअर टी शर्ट पहन रखे हैं क्योंकि आज है संडे छुट्टी है तो थोड़ी देर के लिए घर में चलता हूँ और अपना आभार
खाना पीना हो चुका है, यानी नाश्ता पानी हो चुका है हमारा। अब खाना पीना नाश्ता करके सब आराम करने लगे। कुछ काम तो है नहीं, संडे छुट्टी है, मिल जाएगी। क्या बना है छुट्टी लो, ये नहीं छुट्टी नहीं, अभी तो ना कपड़े धोने हैं। और कपड़े तो रह गए, रोटी तो बनेगी, कपड़े धो। अब क्या करना, आराम, थोड़ा सिर मत थोड़ा हल्का लगेगा, दवाई लेकर आराम करो, मैं भी आऊँ थोड़ी देर में। फ्रेंड्स, मैंने सारे कपड़े धो दिए हैं, चादर भी उड़ धो दी, बेड शीट यहाँ पर फैला देती है, सूख रही है वैसे मशीन में, ज़्यादा वो तो होती नहीं गिल्ली सी, तो यहाँ पर फैला दे सारे। वो धूप भी आ चुकी है हल्की हल्की सी, ज़्यादा तेज तो है नहीं, हल्की हल्की सी है धूप। जितने मैंने अभी बाहर नहीं रखे, ये मौसम का कुछ पता नहीं रहता, जरा सी देर में ही आ जा फिर। तो अभी सूजे भाई आके यहीं पर रखे है, ये कपड़े ले जाने हैं मुझे नीचे, मेरा परेस हो गया कि इन पर दोनों जोड़े पे, एक मेरा एक भाभी का, तो इन पर प्रेस करके रख देगी, कहीं जाना पड़ जाना चाहेंगे यहाँ पे पहन के चले आ गए। वैसे तो गा के नाम को निकाल लिया मैंने बाहर ही, जब घेर में जाती थी ना उस दिन प्रीति चाची को देखने के लिए, जब पहनना था वो, तो मैं सोच रही हूँ घर में निकाल लेती हूँ, दूसरा वाला रखा है। शाम के 5 बज गए हैं, चाय पापा जी चाय पी लिया है, कब रखा हुई थी, और अब हमारा नंबर है तो चाय पीने का, तो शाम की चाय पापड़ के साथ है, चाय पापड़। एक पैकेट बच रहा था जो कि अभी अधर रहा, और आधी यूज कर लिया हमने, दो फिर बना ली। मैं पूछा कैसी लग रही पापड़, और ये पापड़ आज किसने बनाए पता, पता नहीं कितने बनाए, चलो जितने बनाए ठीक बना दी बंदे बनाई, ठीक नहीं लग रही। पियो चाय, रोशी तू भी लग पापड़। तो गगन की तबीयत खराब हो गई थी, इंजेक्शन लगाया उसको, दवाई दी, चुबंसी बता रहा है, गैस तेजाब का दर्द बता रहे होगा था, आधा घंटा सारे के सारे परेशान रहे। इधर पापा जी बैठे हैं, रोने लगे थे पापा जी भी, और रोक्सी उसके पास ही बैठी देखी। पापा जी को बताने गए यार रोक्सी कि उसको दर्द में आराम है, जा जब भी घबरा गई थी, इसका पसीने कमर पे पसीने मुंह पे पसीने, ढेर तबीयत खराब हो गई थी। चाचा जी फोन बता नहीं, रोक्सी बैठ जा तो आराम दे, तो आराम है, देख बेचैन रही जब तक, बैठ जाओ आराम से बस। ये इसके खाट पर बैठ गई थी, चढ़ गया जब इसका दर्द थोड़ा पूरा तेज है, गगन को एक बार तो आराम लग गया था, लेकिन फिर से दर्द हो गया तेज, तो इंजेक्शन लगाया था उसको, उससे आराम नहीं मिला। चाचा जी ने लागे चुके थे अपने क्लिनिक पे से, तो उसके बाद घर आए सीधा डायरेक्ट में लेने गया था, और दवाई लाए इसके लिए, और चाचा जी गए सुनील तो दवाई लगाएंगे इसके, और इंजेक्शन दिया लेकिन उससे भी आराम नहीं लगा। तो कल डॉक्टर को दिखाएंगे, अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, क्योंकि इसके पेट में दर्द है बहुत तेज, चुभन है पेट में। 10:30 बज गए जी, और जब खाना पीना कराना शुरू, तो अब खाएंगे हम खाना, क्योंकि जो है गगन की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो रोटी रट्टी तो भूख ऐसी लग रही थी बस सबको, अब उसको आराम है, तो अब खाएंगे जी। 10:30 बज रहे भैया,
10 बज रहे, 10 साढ़े 10 नहीं 10 बज रहे। और जी कलर के लिए बनाएंगे मूंग दाल की खिचड़ी। तो जब उसका थोड़ा काम हो गया था उसके बाद थोड़ी सी वीडियो बनाई थी उसकी, और उसके बाद फिर तेज दर्द हो गया उसका, तो वीडियो बनाने की हिम्मत हुई नहीं। आज जब मैं वीडियो नहीं डालता फिर करते नहीं, मुझे ब्लॉग नहीं डालना, ब्लॉग नहीं आता। तो कभी जो ब्लॉग मेरा जब आता नहीं तो घर में है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे कि दोनों की दिक्कत हो गई। आज संडे है और आज के ब्लॉग है, डेली अपडेट हो रहा है मेरा ब्लॉग, दिन के दिन आ रहा ब्लॉग मेरा, भैया एक दिन लेट नहीं आता भैया। और पहले आता था एक दिन लेट, लेकिन अब तो बेल लगी मेरा ब्लॉग आ रहा है डे के हिसाब से। चलो तो जी, चलो उसको आराम लग जाएगा और कल जो है उसको पुराने दिखाएंगे। फिलहाल खाना खुना खा लेते हैं, खाने को तो ऐसे मन करता है सालों में। पापा जी ने मेरी रोटी खाई और पूजा ने भी खाई रोटी, देखो। और कल के लिए खिचड़ी बनाएंगे थोड़ी बेलड़ी सी पतली सी, वो खाएंगे इसको। तो थोड़े से चावल आए, इतना बहुत है गगन के लिए, तो इसकी बेलड़ी बनाएंगे।